नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीएस वर्ल्ड के डेली करंट एक्सप्रेस में। हमारी आज की चर्चा का विषय है, भारत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जीता यूएन पुरस्कार। आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत ने अपनी एक खास पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार पाया है। इस उपलब्धि की जानकारी स्वयं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने गर्व के साथ देशवासियों के साथ साझा की है। इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव यानी उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल IHCI ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह अचीवमेंट हासिल की है। IHCI को 21 सितंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र UN महासभा के इतर आयोजित एक कार्यक्रम में 2022 UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स एंड WHO स्पेशल प्रोग्राम ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड दिया गया। देश की मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली में रहकर असाधारण कार्य के लिए IHCI को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार गैर संचारी रोगों यानी NCD को रोकने और नियंत्रित करने और एकीकृत जन केंद्रित प्राथमिक देखभाल प्रदान करने के लिए भारत की उत्कृष्ट प्रतिबद्धता और कार्यवाही को मान्यता देता है। IHCI राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उच्च रक्तचाप को नियंत्रित रखने और रोकने की देशव्यापी पहल है। इस पहल को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR, राज्य सरकारों और विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत WHO इंडिया संयुक्त रूप से कार्यान्वित कर रहे हैं। नवंबर 2017 में केरल, तेलंगाना, पंजाब और मध्य प्रदेश के 25 जिलों से इसकी शुरुआत की गई। वर्तमान में IHCI को 23 राज्यों के 138 शहरों में लागू किया जा रहा है। इस पहल के तहत एक उपयुक्त उपचार प्रोटोकॉल तैयार किया गया है। इस प्रोटोकॉल में प्राथमिक इलाज की गुणवत्तापरक सुविधाएं उपलब्ध कराना, उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण और दवाओं का प्रयोग शामिल है। इस पहल के तहत 34 लाख से अधिक लोग सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में हाइपरटेंशन का इलाज करवा रहे हैं। इस सफल पहल की UN ने खूब सराहना की है। इस पहल की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत में हर 4 वयस्कों में से एक उच्च रक्तचाप से पीड़ित है। साइलेंट किलर के नाम से कुख्यात इस बीमारी ने लगभग महामारी का रूप ले लिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 30 से 79 वर्ष की आयु के 125 अरब से ज्यादा वयस्कों को उच्च रक्तचाप की समस्या है। यह बीमारी गलत जीवन शैली, गलत खान पान, मोटापा आदि से जुड़ी है। खाने में नमक की अधिक मात्रा, हाई सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट व्यंजनों का होना, फलों और सब्जियों का ना होना, शराब का सेवन इस बीमारी की बड़ी वजहों में से एक है। आपको बता दें कि प्राथमिक देखभाल स्तर पर उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने से दिल के दौरे, स्ट्रोक और गुर्दे के काम करना बंद करने से होने वाली मौतों को कम किया जा सकता है और यह पहल इसी अहम कार्य को बखूबी कर रही है। अब बात करते हैं इस खबर पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न की। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल IHCI को 2022 UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स एंड WHO स्पेशल प्रोग्राम ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड प्रदान किया गया है। दूसरा कथन है, इस पहल की शुरुआत 2019 में केरल राज्य से की गई थी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? 4 विकल्प हैं, ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब देने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए GS World को।